हुजूर, आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या मैं आपकी परेशानी की वजह जान सकती हूँ? जब से रानी ने बादशाह से बेवफाई की है, औरत पर से उनका विश्वास उठ गया है। वो हर औरत को धोखेबाज और बेवफा समझने लगे हैं। तो इससे आप क्यों परेशान हैं? इस लंबे चौड़े राज्य का वजीर होने के नाते ये मेरे लिए भी चिंता का विषय है। अपनी पत्नी को कत्ल करने के बाद बादशाह ने ये नियम बना लिया है कि वो हर रोज किसी सुंदर युवती से विवाह करता है और अगली सुबह उसे कत्ल करवा देता है। और अब तक राज्य की ना जाने कितनी मासूम लड़कियां इस जुल्म का शिकार हो चुकी हैं। ये सिलसिला ना जाने कब थमेगा। अब्बा हुजूर, जुल्म की ये दास्तान अब खत्म समझिए। आप मेरी शादी बादशाह से कर दीजिए। बादशाह से शादी? क्या जी, मुझे उम्मीद है कि मैं उसे इस जुल्म से रोक लूंगी। पागल हो गई हो तुम जो ऐसा सोचती हो। वो कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, बल्कि तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो जानवरों की बोली समझने वाले सौदागर के गधे का हुआ था। मियां गधे, तुम तो बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे हो। वो कैसी? मेहनत कम और बढ़िया खाना, और क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ मैं सारा दिन खेत में हल चलाता हूँ, और तब कहीं शाम को खुश्क भूसा नसीब होता है। गलती तुम्हारी अपनी है जो तुम रोज मेहनत करते हो। मेरा कहा मानो, कल खेत पर जाने से पहले बीमार बन जाना, घास खाना छोड़ देना। मजबूरन मालिक का नौकर तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा। अरे गधे भाई, तुमने बहुत अच्छी तरकीब बताई, कल मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छा तो गधे मियाँ, अब कल मैं तुम्हें खेतों में हल चलवाने भेजूंगा। मालिक मालिक मालिक, क्या है? तुम अभी तक जंगल नहीं गए? अरे मालिक, ऐसा लगता है कि बैल बीमार है। मैंने बहुत उठाने की कोशिश की, वो उठता ही नहीं। मैंने उसे चारा भी दिया, मगर उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अच्छा तो ठीक है, उसकी जगह आज तुम गधे को ले जाओ। हैं? हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया गधे मियाँ, तुम्हारी तरकीब कामयाब रही। आज दिन भर खूब आराम किया। मैं तो वाकई गधा हूँ, उसे नसीहत करके खुद मुसीबत में फंस गया। लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने जो इरादा कर लिया है उसे जरूर पूरा करूंगी। तो फिर मुझे भी तेरे साथ वही सलूक ना करना पड़े जो उस सौदागर को अपनी बीवी से करना पड़ा था। हाँ? कैसा सलूक? आज क्या करोगे बैल महाराज? मैं आज भी बीमार बना रहूंगा। नहीं, ऐसा गजब न करना। मालिक कह रहे थे कि अगर बैल ठीक न हुआ तो कसाई के हाथ भेज दूंगा। आज चुपचाप काम पे चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। आप क्यों हंसे? ये राज की बात है, अगर तुम्हें बता दूंगा तो मेरी जान का खतरा है। बहानेबाजी मत करो, अगर सही बात नहीं बताओगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तुम समझती क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कुत्ते भाई, क्या बात है? यूं मुंह लटकाए
करने की जिद कर रही है कि अगर उसे बता दिया जाए तो मालिक की खैर नहीं। अच्छा हाँ, और अगर मालिक ना बताए तो मालकिन जान देने को तैयार है। बीवी को काबू में नहीं रख सकता है? अरे मुझे देखो, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जरा भी काम करे तो मार मार के सीधा कर दूं। शाबाश मुर्गे मिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब देखता हूँ कैसे वो मेरी बात नहीं मानती है। बेटी, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मुझे तुम्हारे साथ भी यही सलूक करना पड़ेगा। अब्बा हुजूर, अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करने तो मैं अपनी हजारों बहनों की जिंदगी बचा लूंगी। क्यों अपनी जान की दुश्मन हुई हो बेटी? आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए और बादशाह के पास शादी का पैगाम भिजवा दीजिए। बादशाह सलामत, अब राज्य के अमीर घरानों में कोई लड़की जिंदा सलामत नहीं है जिससे आप शादी कर सके। हमारे राज्य में गरीब लड़कियां भी तो होंगी। गरीब जनता जिनकी लड़कियां शादी के लायक थी देश छोड़कर भाग चुकी है। देखो, हमें औरत जात से नफरत है, नफरत। अब हम अपनी कसम किस तरह पूरी करेंगे? कुछ भी करो, हमारे लिए कुछ भी करो। बादशाह सलामत, मेरी बड़ी लड़की शहरजाद आपसे निकाह को रजामंद है। क्या? क्या उसे हमारा दस्तूर मालूम नहीं? मालूम तो है जहां पना। तो क्या वो ये समझती है कि मैं वजीर की बेटी होने की वजह से उससे रियायत करूंगा? हरगिज नहीं। मेरा ये प्रण ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए तोड़ दूं। हुजूर को इसका इख्तियार है। किस कदर हसीन है ये वजीर की बेटी जो सिर्फ एक रात के लिए हमारी मलिका बनी है, लेकिन कल सुबह इसे कत्ल कर दिया जाएगा। ओह, काश हम अपनी कसम तोड़ सकते और इसकी जिंदगी बख्श सकते। इस खुशी के मौके पर ये रोना धोना कैसा है शहरजाद? आओ हमारे पहलू में आ जाओ। ये मैं जानती हूं कि सुबह आप मुझे कत्ल करा देंगे, इसलिए चाहती हूं कि अपनी छोटी बहन दुनियाजात को अपने पास बुला लूं और जी भर कर उसे देख लूं। तो ठीक है, बुला लो, हम इजाजत देते हैं। क्या बात है दुनियाजात, तुम अभी तक सोई नहीं? आधी से ज्यादा रात भी। बाजी, ये आपकी आखिरी रात है, खुदा जाने सुबह को क्या हो, इसी परेशानी में नींद नहीं आ रही। तुम सोने की कोशिश करो। आह, मेरे नसीब में जो लिखा है उसे तो कोई टाल ही नहीं सकता। बाजी, आप हर रात कोई ना कोई कहानी सुनाती थी, आज आखिरी बार कोई कहानी सुना दीजिए। बादशाह सलामत, अगर इजाजत दे तो मैं कोई कहानी सुना दूंगी। कहानी